इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। फायर ब्रांड हिंदू नेता साध्वी प्राची एक बार फिर से विवादों में आ गई है। उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे कई सवाल खड़े हो गए। साध्वी प्राची ने जिहादियों को बीच चौराहे पर फांसी देने की बात कही तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशाने खड़े हो गए। दरअसल मेरठ में चार दिन पहले हुए एडवोकेट मुकेश शर्मा की हत्या के बाद आज साध्वी प्राची मेरठ में उनके घर पहुंची और उनके परिजनों से मिली। साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारी सरकार की इस नीति को पलीता लगा रहे हैं। देखिए, ये जो हत्याएं हो रही है, अगर मैं सच सच बताऊं तो पूरी मीडिया मुझे आज बदनाम करके रखेगी के साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। लेकिन मैंने भगवा पहना, सच को सच कहूंगी। ये जो बराबर हत्याएं हो रही है, चाहे वो कमलेश तिवारी की हो या फिर ये मेरठ में वकील साहब जिनके घर पे आई हो, मुकेश शर्मा जी एडवोकेट की हत्या हुई हो, ये हत्याएं बराबर क्यों हो रही है? क्योंकि मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं। जब तक हिंदुस्तान के अंदर फतवों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, फतवे जारी करने वालों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर सुख शांति अमन चैन नहीं होगा। ये 14-14 साल के लड़कों को भेजते हैं, 12-14 साल के लड़के होते हैं और उनसे ये हत्या कराते हैं हिंदुओं की। ये सोची समझी साजिश होती है। इन पर प्रतिबंध लगे क्योंकि ये इस तरह का दहशत का माहौल पैदा करके, दहशत गर्दी करके ये हिंदुस्तान में इराक और अफगानिस्तान जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। मैं भी खुश नहीं हूँ लोकेश भाई, मीडिया के सामने कह रही हूँ, प्रशासन की जो ये ओछी हरकतें हैं, वेरिफिकेशन दे रहे हैं, ये मारने वाले को वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कमलेश तिवारी के लिए कह रहे हैं कि वो धर्मांधता की वजह से हुई है। एक इतना बड़ा अधिकारी, मैं बहुत आक्रोशित हूँ और मैं सीएम साहब से शिकायत करूंगी, इसे तत्काल हटाया जाए। कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई है, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम कौन सा गुनाह करते हैं? लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मुझे भी 10-12 सालों से लगातार धमकियां बराबर मिल रही है। ISI की धमकी आई है, राम मंदिर की बात करोगे तो तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। मेरे पास में लिखित रूप से धमकी मिली है। बहुत बार मेरे आश्रम पे अभी महीने हुआ है, लगभग एक महीने से चार अज्ञात लोग, 3-4 लोग गए और उन्होंने हमले की पूरी साजिश रची। वो तो मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचाया। कमलेश तिवारी हत्या के बाद अब साध्वी प्राची को भी हत्या की धमकी मिलने लगी है, जिसके लिए वे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगी। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मसले पर क्या कदम उठाते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।